साकार करने में जुटे पीएम। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निजीकरण के बाद दिल्ली को भी यात्रियों की जैव कर्मचारी कर रहे थे विरोध। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को कितना मिलेगा मुआवजा, तय करने के लिए सरकार को एससी से मिला और 4 हफ्ते का समय। दलित सरपंच ने झंडा फहराया तो पूरा परिवार पिटा, नेशनल एससी कमीशन ने एमपी के सचिव पर डीजीपी से मांगा जवाब। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के एयरपोर्ट पर लगाई रोक। टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर स्वतंत्रता दिवस की रथ यात्रा में बाधा डालने के आरोप में 3 गिरफ्तार। सोनिया गांधी ने कहा, संविधान और मौलिक अधिकारों को जब कुचला जाए तो चुप रहना पाप। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू, जनजीवन लौटा पटरी पर, स्कूल खोलने की हो रही तैयारी। मुख्तार अंसारी का आरोप, मेरी हत्या के लिए दी गई 5 करोड़ की सुपारी, एंट्री किए बिना जेल में आ रहे संदिग्ध लोग। बिहार में 2 स्टेशनों पर गंगा की बाढ़ का रेड अलर्ट जारी, यूपी झारखंड और पश्चिम बंगाल को लेकर भी चेतावनी।